हेलो गाइस, माय नेम इज शादाब। मैं हूं अभी जीके गोल्ड फार्म पे गुलफाम भाई के साथ। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शादाब भाई, खैरियत से गुलफाम भाई? अल्लाह का शुक्र भाई। अभी भाई चंबल के बाद ऐसा लग रहा है भोपाल के अंदर मेला लगा है, माशाल्लाह इतना अच्छी क्वालिटी का माल लेके आए हैं जी सभी लोग। लेकिन आपके पास खासियत देख रहा हूँ कि गुलाबी भी बकरे हैं शादाब भाई। अल्हम्दुलिल्लाह माल तो आता जाता रहता है, लोग बेच भी रहे हैं, सभी बेचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपन तो हमेशा ही माल अच्छा लाते हैं और अच्छा ही बेचते हैं। बिल्कुल सही बात है ना, उससे अपन को फर्क नहीं है कौन ला रहा है कौन बेच रहा है, अपन अच्छा लाते हैं और अच्छा बेचते हैं शादाब भाई। कितने जानवर लेके आए हैं अभी शादाब भाई? मैं आपको 7 से 8 जानवर दिखाऊंगा इसके अंदर। जमुनापारी हंसा के अंदर ही है जी, सभी जमुनापारी हंसा में भी हैं। और हाँ, वैसे ऑलमोस्ट यही है। ठीक है, तो इसी बड़े बकरे से स्टार्ट करते हैं भाई जी। शादाब भाई माशाल्लाह ये भी जमुनापारी के अंदर ही है, बहुत अच्छा। बताएं इसके बारे में, क्या डिटेल का बकरा है भाई ये? शादाब भाई ये दांतों में तो पूरा हो चुका है ये अभी। ठीक है, और हाइट भी इसकी तकरीबन 39 की है। ठीक है, लेंथ जो है जमुनापारी के अंदर देसी की बताई जाती है, फुल लेंथ आती है। फुल लेंथ में भी फुल लेंथ का ही बकरा है ये जी। हाइट आपने बढ़ाई है इसकी, कितनी? 39 की हाइट है जी, 39 की। और वजन इसका? वजन तोला नहीं है लेकिन 65 से 70 किलो मान के चले, क्योंकि वजन किसी का भी नहीं तोला है शादाब भाई अपन ने। मगर जो बताएंगे जी वो आएगा, क्योंकि अपन गुंजाइश रख के ही बताएंगे। ठीक है, तो गुलफाम भाई क्या डिमांड रखी है इस बकरे की? शादाब भाई अपन पैसे किसी के भी नहीं बताना चाह रहे हैं। अच्छा, पैसे आप पर्सनल में बताओगे जी? इस बार अपनों किसी को पैसे खोलना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, अभी भोपाल में आए हुए कितने दिन होगा ऐसे? ये अपने पास कल ही आया है माल, इसमें तो बाकी कुछ पहले का भी है। अच्छा जी, ठीक है, कुछ कल का हैगा और पहले का भी हैगा जो अपने पास था। थोड़ा सा बच्चा एग्रेसिव दिख रहा है ये, बहुत अच्छा बकरा है। गाइडलाइन की वजह से हम ज्यादा मस्ती करके दिखा नहीं सकते जी जी जी। अगर किसी को चाहिए तो पर्सनल में वीडियो मंगा ले। बहुत बहुत अच्छा बकरा है शादाब भाई, बहुत अच्छा तैयार होगा बकरा। लेंथ बहुत है बकरे में शादाब भाई माशाल्लाह, क्योंकि झालर वालर बहुत लुक का बकरा। एक साल कोई पालता है मतलब ईद तक भी रखता है तो काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है गुलफाम भाई, आगे बढ़ते हैं बच्चों की तरफ जो माशाल्लाह फुल तर गुलाबी के अंदर है जी। ये गुलाबी और में खासियत ये है कि खड़ा सिक्का है ये भाई, ये हंसा है या कोटा के अंदर है? नहीं शादाब भाई ये हंसा के अंदर है, खड़े सिक्के में, कोटा नहीं बोलेंगे इसको। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी में है बच्चा। बताओ डिटेल्स शादाब भाई, ये भी अदंत है और 8-1 महीने का बच्चा है ये। 8-1 महीने उम्र है? हाँ। वजन कितना होगा इसका? बच्चा है ये, वजन में कितना आएगा गुलफाम भाई? शादाब भाई वजन में 40 किलो का है ये, 40 kg से 40 किलो आराम से तुलेगा। एक सिंग वाइट है और एक ब्लैक है और एक आंख से कजला भी है शादाब भाई। अच्छा, लेफ्ट साइड पे होगा जी, इस साइड से ही कजला है, देखिए आप। बहुत शानदार, हाँ उस साइड से लग रहा है कि भाई पूरा हंसा है वो। ठीक है, बताओ इसका भी प्राइस पर्सनल में ही बताओगे? हाँ, प्राइस किसी का भी जो अपन बताएंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे भाई होते हैं जो बेचते हैं आगे, तो फर्क पड़ा था, उनकी शिकायतें थी कि गुलफाम भाई रेट अगर आप खोल देते हैं तो हमें बेचते हैं, जब तो बंदा कहता है कि भाई इतने का तो उनसे, तो कोई भी इंसान अगर कोई मुझसे लेके भी बेचेगा सही बात, वो भी दो पैसे कमाएगा। अपनी अलग अलग सोच है जी। ठीक है भाई, इसके पीछे भी एक बच्चा आएगा, इसके पीछे भी एक हंसा बच्चा है भाई, इसके बारे में भी बताओ। ये भी 8-1 महीने का शादाब भाई, झालर वाला बहुत अच्छी है इसके अंदर, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा दूध पिया हुआ बच्चा है ना? हाँ फुल दूध पिया हुआ मोटा बच्चा है ये, डबल हड्डी, 7-1 महीने का ही झालर वाला इसकी काफी अच्छी है इसकी। तो अभी दांत कब तक नहीं करेगा ये? अब 8 महीने का बच्चा है शादाब भाई, तो 6-7 महीने तो नहीं करने वाला तो लगेगा, बल्कि 8 के 7 ही महीने का ही, मैं तो अंदाज से बता रहा हूँ। तो डबल ही टाइम पकड़ के चलो, इतना टाइम और ले लेगा अभी ये, दांत नहीं करेगा अभी, नहीं करेगा दांत, बच्चे हैं रखने के बच्चे हैं, और वैसे भी 2-2 साल तो रखना पड़ता है। अंदाजन वजन बताओगे इसका कितना होगा शादाब भाई? ये 35+ तो लेगा, मोटा बच्चा है, 35 से ऊपर बैठ जाएगा, ऊपर ही तो लेगा, 35 से ऊपर ही। इसे बच्चे पालने में गुलफाम भाई मज़ा बहुत आता है, क्योंकि जो है तैयारी जल्दी पकड़ लेते हैं, जिनने बचपन के अंदर दूध अच्छा पिया हो। बच्चा अच्छा है ये भी, पंच वगैरह भी अच्छा है इसके अंदर। ये अभी अभी आया है, ये भी लंबे टाइम से आपके पास? ये भी कल ही आया है, कल ही आया, फ्रेश माल है ये सब। बाकी ये वाला जो कुछ दिखाऊंगा जो पहले का, फीमेल बहुत अच्छी है शादाब भाई अपने पास। चलिए उधर से कवर करते हैं, आइए। ये अपन इसको बोलेंगे जमुनापारी है ना? जमुनापारी माशाल्लाह। बता उसकी डिटेल क्या हाइट का है? शादाब भाई वजन में तकरीबन 61 किलो पर आएगा, 55 से 60 किलो मान के चलें, तोला नहीं है। और दांतों में कितना होगा? दांतों में 3 का रहा है शादाब भाई, इसने मैंने दांत अभी हाली जस्ट देखे हैं इसके, मतलब इससे भी बहुत उम्मीद है अभी हाइट बढ़ाने की। चेहरे का बहुत भारी है वजन लेने की, चेहरे का बहुत अच्छा बकरा है माशाल्लाह। सभी एक्टिव बकरे हैं ये। और खाने पीने में गुलफाम भाई चेक किया कैसे? अभी तो खा रहा है शादाब भाई अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी तो सेट करता है आदमी जो भी लेता है, फिर उसके हिसाब से उसको रखना करना पड़ता है। चर पूछ रहा हूँ उन बकरों की, चर वैसे अच्छी अच्छी है,
अच्छे बच्चे, दो दांत से अभी तीसरा इसने करा ही है और एक ही साथ इसने करे तीन तीन दांत जी। चलो बढ़िया है कि मतलब अभी बोल सकते हैं तो चार ही दांत होगा ज्यादा से ज्यादा। तीन करा है शादाब भाई, वैसे अपन पब्लिक मतलब छह दांत होने में लंबा टाइम ले लेगा। हाँ वैसे इसने देखो ना, हाँ तीन ही करा है इसने एक ही साथ। हाँ भाई सही है, मैंने भी चार दांत होने में अच्छा लंबा, छह दांत होने में टाइम ले लेगा, ले लेगा। अच्छा बच्चा है, एग्रेसिव भी है और खाने का भी अच्छा है, बनेगा पंच बहुत अच्छा है शादाब भाई इसमें। जो चेहरा है ना बहुत लुक का है, भारी बच्चा तैयार होगा ये। ठीक है, इसके बाद एक गुलाबी बच्चा हो रहा है, उसे भी बताओ आप। ये है शादाब भाई, माशाल्लाह। ये कितने दांतों पे अभी शादाब भाई? इसने छः अभी लगाया, जस्ट चार था पर छः इसने छः दांत आ गया ये जी। और हाइट इस बकरे की? हाइट इसकी 38 की है शादाब भाई, कंफर्म है। 38 नापी हुई हाइट है ये? हाँ नापी हुई है। और वजन इसका? वजन शादाब भाई 60 kg पर। 60 kg, ये भी अंदाज से ही बता रहे हैं अपन। नहीं ये इसका तोला हुआ है मेरे पास। अच्छा जी, अच्छा देखा गया इन बकरों के अंदर लेंथ अच्छी है तो इसलिए वजन भी जो है भारी बैठ जाता है अंदाजे से। हाँ ये क्या है, अभी अपने पास पहले का है शादाब भाई जी, ये खरीदा हुआ नहीं है अभी। ठीक है, तो अभी तकरीबन 8 महीने अगर कोई बकरा इतना इनको रख लेता है जी, क्या रिजल्ट आना चाहिए भाई अच्छी खिलाई के ऊपर? भाई रिजल्ट का अपन क्या बोले, जैसा आदमी तैयारी करेगा मेहनत करेगा उस हिसाब से करेगा। हाँ इंशाल्लाह क्यों नहीं हो जाएगा, रखने वाले बकरे हैं शादाब भाई ये सब, बहुत प्यारे बकरे भाई माशाल्लाह बेहतरीन, खड़े सिक्के के अंदर है। और ये ठीक है, इसके बाद और कौन कौन से जानवर बचे? इसके बाद अभी अपनी एक फीमेल बची है। ठीक है, वो दिखाता हूँ मैं, ये है कि ये बहुत आला है शादाब भाई, 8 महीने की 7 महीने की है। यहाँ घुमाओ उसको आप, ये देखो आप चल रही है अभी तो वो। पंच देखो आप इसका माशाल्लाह, फुल पंच के अंदर है जी। मैं चेहरा हाथ हटा के बताता हूँ, ये तो लगता है कि ठुड्डी दबा के दिखा दिया है। सही बात है, नहीं दिख रहा है उसका, नहीं दिख, वो अपन ये ना अपन हाथ हटा रहा है, ये पंच है कैसे ही पकड़ोगे, लेकिन जो है चीज इस तरीके से दिखाएंगे थोड़ा पंच ये दिख जाता है। सही कह रहा हो आप, अब ये नॉर्मल है। सही है, ये भी एक ट्रिक है भाई, ये रखा तो अपन ने ये पंच हो गया। सही बात है, ज्यादा दिखेगा। हाँ अब ये देखो आप इसका पंच। ठीक है, ब्रीडिंग के लायक कब तक हो जाएगी ये? अभी तो भाई ये 7 महीने की बच्ची है। 7 महीने और लेगी कम से कम, मेरा तो कहना भाई इसको तो 4 दांत पे कोई भी जो भी ले अगर तो खड़े सिक्के के अंदर 4 दांत के होने के बाद इसको लोड करवाएं जी, तो उससे जो नस्ल है वो अच्छी आएगी। ठीक है, इसका भी प्राइस पर्सनल में ही रहेगा जी, इसका भी पर्सनल में रहेगा। और भी जानवर हैं अभी? एक मेंढा दिखा रहा हूँ शादाब भाई, इसका रेट खोल के दे देते हैं अपन, इन सबके अंदर समझ लो इसका रोड अपन रेट बता देते हैं। ये कौन सी ब्रीड में पहले ये बताओ? ये कच्ची में, कच्ची का मेंढा है जी। क्या उम्र होगी इसकी? ये भी 7 से 8 महीने का है। और अच्छा है मेंढा तो भाई, बहुत अच्छा है। कितना होगा इसका वजन भाई? इसके अंदर 30 kg+ का है ये। अच्छा, लेकिन बालों की वजह से ऐसा लग रहा है कम से कम 50 kg का बच्चा। नहीं नहीं 30-35 kg का है, मोटा बच्चा है शादाब भाई। ठीक है, कितने का है? और ये 10,500 रुपये में देना है अपन को, 10,500 बिना ट्रांसपोर्ट के है और ये फाइनल है। इसके अंदर कोई गुंजाइश और कोई नोगेशबल नहीं है। चलो बढ़िया, फाइनली है ये, बहुत अच्छा है मेंढा ये। किसी एक का प्राइस बता दिया आपने। ठीक है गुलफाम भाई, अभी टोटल अपन ने कितने जानवर देख लिए इस वीडियो में? अपन ने तकरीबन 7 जानवर देख लिए भाई, 7 जानवर देख लिए। और माशाल्लाह एक का आपने प्राइस बता दिया जी, 10,500 में बिना ट्रांसपोर्ट के, बहुत अच्छा मेंढा है ये जो भी अगर लेता है। अब इंशाल्लाह जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे भाई तो वो आपसे ज़रूर कॉन्टेक्ट करेंगे प्राइस के लिए। ठीक है भाई जी, शादाब भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।